आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। टेम्पो ट्रैवलर चालक मालिक वाहन धारकों को होने वाली दिक्कतों को लेकर शनिवार 13 मार्च को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष शशि सिंह और चंद्रपुर ट्रैवलर ग्रुप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन पर अनेक आरोप लगाए। इस दौरान टेम्पो ट्रैवलर धारकों की समस्याएं हल नहीं की जाने पर शीघ्र ही अपने परिवार के साथ ट्रैफिक जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में टेम्पो ट्रैवलर चालक मालिक टैक्सी चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उनका परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर है। इन वाहन धारकों को वाहन का परमिट निकालते समय 400 के बजाय 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन ऑर्डर मिलने पर परमिट प्राप्त नहीं होता। कोरोना काल के चलते वाहन का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। गाड़ी किराए पर भेजने पर उन्हें परिवहन और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। अनेक बार वाहन के पूर्ण कागजात और परमिट उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन की ओर से मेमो दिया जाता है, पुलिस की ओर से एंट्री फीस की मांग करने पर आरोप लगाते हुए शशि सिंह और निलेश दूदल, विनोद चांदेकर, वीरेंद्र कन्हाले आदि ने तत्काल इस अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है। यदि मांगों की पूर्ति नहीं की गई तो संगठन की ओर से परिवार समेत ट्रैफिक जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इनकी जो पीपी की दिक्कत है, जिसे अगर मान लीजिए संडे के दिन इनको बुकिंग आती है, तो शनिवार या रविवार को अगर बुकिंग आती है तो ये पीपी कैसा निकाल लेंगे? अगर ऑनलाइन रहेगा तो ये निकाल लेंगे, कर लेंगे। दलाल के थ्रू अगर ये करते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। जो 300 का काम होना है वो 1000 रुपये लग जाते हैं। बस यही चीज, इसके ऊपर आरटीओ ने ऑनलाइन कर देना चाहिए। आपके जिला ग्रामीण अध्यक्ष जो है उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? उनके अभी वो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है कि वो एक साल पुरानी है। ठीक है। हाँ जी, ये संघर्ष वाहन चालक मालक संघटन करना चंद्रपुर जिला अध्यक्ष। आमच्या सर्वांची टेम्पो ट्रॅव्हलर असोसिएशनची एकच मागणी आहे की आम्हाला जसं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये एक ॲप्स तयार केली होती ई पासची, तशा प्रकारची एक ॲप्स तयार करून देण्यात यावी टीपी काढण्याकरिता, आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये लोकलकरिता टीपी हा प्रकार बंद करण्यात यावा। कारण 5-10 किलोमीटरसाठी टीपी काढणं आम्हालाही अवघड आहे। कारण सगळे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर असोसिएशनचे जे मेंबर्स आहेत ते कोणी चिमूर नेरीचे आहेत, तर कोणी कोरपण्याचे आहे, किंवा कोणी बल्लाळशहा राजूराव गोंडपिपरीचे आहे, तर हे लोक प्रत्येक दिवशी रोजच्या रोज येऊन इथे टिपी काढू शकत नाही। तर त्याच्यामुळं आमच्या सुविधेसाठी आणि याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचाही फायदा आहे, कारण त्या जर ही सुविधा आम्हाला उपलब्ध झाली एक ॲप्स म्हणून आमच्या मोबाईलमध्ये जर झाली, तर आम्ही प्रत्येक बुकिंगसाठी प्रत्येक दिवशी आम्ही रोज टिपी काढू शकतो। आणि त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा फायदा असा की गव्हर्नमेंटचा रेव्हन्यू पण डुबणार नाही। गव्हर्नमेंटचा जो आज रेव्हन्यू डुबत आहे, कारण आम्हाला जे एजंट मार्फत टीपी काढावं लागते ना, त्याच्यामुळं आम्हाला 300-400 रुपयाची टीपी ही 1000 ते 800 रुपये मोजून द्यावं लागते। त्यामुळं बहुतेक लोक टीपी काढतच नाही, किंवा काढली तरी ते खूप उशिरा मिळते म्हणून जनरली, आणि काय म्हणतो की आपण ती टीपी जेव्हा बुकिंग संपल्यानंतर टीपी आमच्या हातात येते, तर हा एजंटचा प्रकार बंद करण्यात यावा। मधातले एजंट हटवून आम्हाला एक साधी सुधी एक ॲप्स देण्यात यावी, ज्याच्यातर्फे आम्ही रोजच्या रोज टिपी काढू शकू आणि आमचाही त्रास कमी होईल आणि प्रशासनाचाही त्रास कमी होईल। हीच मागणी आहे आमची। तर ठीक आहे।